so many things I do, and girl, you never wanna judge. But maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. And if there's any trouble, yeah, we coming through. Hey guys, welcome back to my channel. तो finally guys, आज मैं जा रही हूँ 5-star में पूरे एक दिन के लिए. Let's go guys. देखो बारिश का मौसम है, बहुत झमाझम बारिश हो रही है और तो चलो चलो हम चलते हैं जल्दी से. तो ओके गाइज, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, ड्रीम वाले डेस्टिनेशन पे. अरे भाई, पहली बार आई हूँ तो एक्साइटमेंट तो थोड़ी होगी ना. आप भी चलो मेरे साथ अंदर. तो ये है कुछ अंदर होटल का नज़ारा. देखो यार, लग रहा है ना किसी सपनों के महल जैसा. और ये है इसके अंदर का एम्बियंस व्यू. अभी जब मैं होटल चेक इन कर लूँगी ना अच्छे से प्रॉपर रूमों में, उसके बाद मैं आपको बाद में उसका पूरा एम्बियंस व्यू दिखाऊँगी. इतना सुंदर सा था ना. अब मुझ जैसा गरीब लोग फर्स्ट टाइम आया है तो उसको तो शॉकिंग लगेगा ही ना. तो भाई किसी तरह से हम तो पहुँच गए इतने सारे पैसे खर्चे करके. तो गाइस चलो जल्दी जल्दी अब हम अपने रूम में चेक इन कर लेते हैं. तो इसका तो लिफ्ट भी इतना सुंदर है ना कि मैं क्या ही बोलूँ. हर चीज़ बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है. तो चलो अब हम आपको देते हैं एक मस्त सा अपना रूम का टूर. सो गाइस, तो ये है हमारा मेन डोर और यहाँ से होती है हमारे रूम की स्टार्टिंग. एंट्री लेते हैं ना तो यहाँ पे इस साइड पड़ता है एक गैलरी एरिया, जहाँ पे अंदर की ओर आने पे ये है हमारा टेबल डेस्क, जहाँ इसमें दिया गया है वाटर बोतल, फ्रिज का एरिया दिया गया. उसके बाद ये हमारा आता है एक स्टडी डेस्क, जहाँ पे चाहो तो आप रात में कुछ आपको वर्क करना है दिया गया है हमारा एक फुल साइज का मिरर. ये हमारा फुल साइज मिरर है. उसके बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ रूम का व्यू. तो गाइस, तो ये है हमारा बिग 5-star रूम. ये इतना बड़ा साइज है ना कि मैं क्या ही बोलूं. और ये है हमारा बड़ा बिग सा बेड, ये देख सकते हो आप. यहाँ पे दिया गया है ये हमारा साइड टेबल, हमारा बिग टीवी. उसके बाद ये आ गया हमारा कॉफी का एरिया. यहाँ चाहो तो आप बैठ के चिल करके आप आराम से कुछ चिल कर सकते हो. उसके बाद ये है हमारा सेंटर टेबल और ये है हमारी एक चेयर. और ये है कुछ हमारा बाहर का व्यू, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा, अभी बारिश के कारण दिख नहीं रहा. इसके बाद अब हम चलते हैं वॉशरूम एरिया की ओर. तो गाइज ये है, ये देखो ऐसे डोर लगी हुई है ना, इसको जैसे ही ओपन करोगे तो ये ऐसे ही ओपन करने सामने दिखेगा आपको. ये यहाँ पे दो स्लैब दिए गए हैं ना. तो इधर तो है ऐसे टॉयलेट वाला एरिया, तो इसको कर दो क्लोज. इस तरह से ग्लास डोर है. हमारा फुल बाथरूम व्यू, एकदम बिग वाला बाथरूम है हमारा. के बाद ये हमारा दिया गया है पूरा मिरर वाला एरिया, ये देख सकते हो. इसमें दिए गए हैं टॉवेल, ग्लास, शैम्पू, सोप, पूरी प्रॉपर तरीके से हमारा बाथरूम बाथटब का एरिया. ये ना बिग सा बाथरूम दिया गया है हमारा, जो कि बहुत सुंदर सा है, ये देख सकते हो. अभी हम चलेंगे बाहर तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरे एम्बियंस का टूर कराऊंगी. तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं नीचे. So many things I do, and girl, you never want to judge. But maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. And if there's any trouble, yeah, we coming through as one. You know I got your back in every way under the sun. Girl, I be staring, looking at you every single night. I just gotta let you know you brightened up my life. बंटन के मुटियारा या पटोला बनके
कन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके पंठन के मुटियारा। फाइनली पूरा भ्रमण करने के बाद हम सबको बहुत तेज जोरों की भूख लग गई थी, तो हम सब आ चुके हैं अपने फूड एरिया में। वहाँ पे हम अपने खाने का कर रहे थे इंतजार, बहुत तेज वाली भूख थी। उसके बाद रात का मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, खाया पिया और सो गई, इतनी थक गई थी मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बज चुके हैं 8:30 और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे। तो चलो चलते हैं हम जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने, तो चलो चलते हैं जल्दी से नीचे, कहीं ब्रेकफास्ट हमारा ख़त्म ना हो जाए। तो मैं पहुंच चुकी हूँ कि यहाँ पे ये लोग ना पहले से ही आके खाना खा रहे थे, मैं थोड़ा लेट पहुँची, ये लोग खाए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और मैंने ये रहा मेरा टुकू जो कि मजे ले रहा है खाने का। तो ये मैं यहाँ पे अपना खाना ऑर्डर दे रही और ये था पूरा एम्बियंस एरिया, ये देखो फूड एरिया इतना खूबसूरत बना हुआ था ना। तो इतने में ही मेरा ब्रेकफास्ट आ गया और मैं खा रही थी साउथ इंडियन। मुझे ना सुबह सुबह साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है, किस किस को लगता है बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ब्रेकफास्ट में मैं जल्दी जल्दी खा करके आ चुकी हूँ, उसके बाद मैं अब रेडी भी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि रात को हो रही थी बारिश और मैंने नीचे का लॉन एरिया है ना वो नहीं भ्रमण किया था। तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी से नीचे के एरिया में और देखते हैं, बाकी का भी टूर कर लेते हूँ। भाई आई हूँ तो पूरा ही मज़ा ले लूँ ना क्यों। तो ये है हमारा लॉन, ये तो हमारा ऊपर का ही एरिया है और ये है हमारा लॉन बाहर का गार्डन एरिया। इतना खूबसूरत सा, इतना बड़ा सा था ना कि देख के ही मज़ा आ गया था। रात में बारिश के कारण हम यहाँ पे नहीं घूम पाए थे, लेकिन अभी तो मैं फुल ऑन एंजॉय कर रही थी। तो आप भी देखो इस तरह से पूरा गार्डन एरिया, ये है गाइड। हम आ चुके हैं यहाँ पे नीचे और अब हम हमारा टाइम हो चुका है चेकआउट का। चेकआउट का मन नहीं कर रहा था बट जाना तो पड़ेगा ना, अब इतना पैसा में तो इतना ही मिलेगा। और ये देखो ये है हमारा नीचे का एरिया, नीचे का जो गार्डन के बगल में जो अंदर का एरिया था ना ये था, कितना सुंदर है ना। तो चलो फाइनली अब हम कर रहे हैं चेकआउट आफ्टर 24 आवर्स और अब जल्दी जल्दी निकलते हैं बाहर। तो बैक टू होम गाइस, जब मैं जा रही हूँ घर। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, तो चलो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। बाय बाय।